अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मैं आपको कैसे समझाऊं हैदर, आप जिस बात को लेकर मुझसे नाराज हैं उसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है हैदर, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम बिल्कुल इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए या तुमसे कुछ कहा जाए। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता दुआ। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के, चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के, मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाए है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मन समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। मुझे क्या पता था कि ये इतने कच्चे दिल की है, वरना मैं इसे समझाने का कोई और तरीका अपनाती ना। अम्मी हूँ इसकी, कोई दुश्मन नहीं, दुश्मनों से बचाना चाहती थी इसीलिए डांट दिया। खुदा के लिए आप सब लोग बाहर जाइए। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी भीड़ भाड़ रही तो डॉक्टर साहिबा मरीज की जांच कैसे करेंगी। जाइए खुदा के लिए। मैं हूं अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। गजल तुम रुकना मेरी मदद के लिए। जी अम्मी। हिना सही कह रही है, चलिए हम सब लोग बाहर इंतजार करते हैं। आओ बेटा। अम्मी आप भी जाइए, आराम फरमाइए। नहीं करना मुझे कोई आराम आराम, खुदा मेरी कायनात को जल्दी अच्छा करते। कायनात जवान लड़की है, अभी उठ खड़ी होगी और उसकी अम्मी अभी जिंदा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए मान जाइए ना। मेरा बच्चा। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, शुक्र है खुदा का। बट खुशियां मनाने वाली बात है। सबको बुलवाइए और मिठाइयां खिलवाइए, आपकी बेटी मां बनने वाली है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।